बड़े पापा, चेतना दीदी कहाँ पे है? बेटा चेतना दीदी अंदर है, अभी बुलाता हूँ। चेतना, चारू इधर आना। आई। ले आ गई चेतना दीदी। बेटा बड़ी मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते, एक मिनट आना। आया बेटा। हाँ क्या हुआ चारू, सब बैठे हैं, ऐसे उठा लाई तुम मुझे? मुझे इसी बात का डर था कि तुम उसको उठा के यहाँ ले आओगे, और वही किया तुमने। उसका पति मर गया तो उसकी देखभाल अब हम करेंगे, उसकी लड़की को और उसको मेरे सर पे लाके रख दिया तुमने, और मुझसे पूछा भी नहीं। चारू भलो तमीज से बोलो, भाई था वो मेरा, उसके जाने के बाद उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा चारू? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ना पैसा लगता है, यहाँ पेड़ नहीं उग रहे हैं कि किसी भी अबला नारी को यहाँ उठा के ले आओगे। जहाँ से उठा के लेकर आयो वहीं छोड़ कर आओ। अरे धीरे बोलो प्लीज। मुझे नहीं पता, बस इसको यहाँ से भगाओ, ये यहाँ नहीं रहनी चाहिए। चारू समझा करो बात को, तुम्हें पता है मैं वहाँ पर गया यार, उनके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, मकान मालिक सर पे खड़ा था, तो ऐसे में उन्हें वहाँ छोड़ा था। हमारे घर में अकेले कमाने वाले तुम हो, कैसे करोगे इतना? एक फैमिली का पूरा नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होती है। सब कुछ हो जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो, मैं हूँ ना, मैं अपने आप कर लूंगा। अच्छा आप बाहर चलो, अच्छा नहीं लगता यार वो आए हुए हैं। बड़ा अपने आप कर लेंगे, इनके आने से सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी हमारी, खर्चे तो मुझे ही चलाने होते हैं। मम्मी, बड़ी मम्मी को ना पे आना हमारा अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, वो बस बड़ी मम्मी ऐसे ही बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला कार्टून बहुत अच्छा है, खाएगी? ये क्या कर रही है? पता है एप्पल कितना महंगा है, खुद ही खा ले। और तू क्या कर रही है यहाँ बैठ के, जा अपनी माँ के पास, सारा दिन टीवी दिखा लो बस। क्या हुआ, तू पागल है? यहाँ पे हम इन लोगों को बसाने के लिए लाए हैं कि मैं सोच रही चली जाए यहाँ से, तू यहाँ हमको दाना पानी दिए जा रही है। चेतना तुझे इसके साथ ना ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, ये सोच के इन्हें यहाँ से निकालना कैसे है, यहाँ ये खर्चा करवाने आए हमारा, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तेरे पापा अकेले हैं कमाने वाले, उल्टा ये आ गए हैं। अब देखो तेरे कपड़े, तेरी स्कूल की स्टडी, सब पे इसका शेयर जाएगा। ओके मामा। आप फतेह की बेटा हमारे घर की, भगा इनको। मम्मी भूख लग रही है, एक ग्लास दूध दे दो। मैं लेके आती हूँ बेटा। चाची मेरे लिए भी एक ग्लास। ठीक है। हाँ जी। ये दो ग्लास दूध किसके लिए बना रही है, अपनी और अपनी बेटी के लिए? यहाँ तेरा पति कमा के रख के गया है क्या, जो तुम यहाँ सेहत बनाने आए हो? दीदी वो आप गलत समझ रहे हो, ये दूध मैं दिशु और चेतना के लिए ले रही थी। मैं दे देती हूँ, ले चेतना अपने रूम में जाके पी ले बेटा। दीदी वो दिशु को भी रात में दूध पीने की आदत है, दीदी वो दिशु को नींद नहीं आती। नींद नहीं आती, इतना दूध नहीं होता। ठीक है ढक्कन खोल, पानी मिला इसमें। दीदी पानी? क्या दीदी पानी, पानी मिला? अब पिला दे, अच्छी नींद आएगी। ये कर। बढ़िया ही महारानी दूध पिलाने वाली, सारी किचन खराब कर दी है। दूध पिला के ना किचन समेट दी, गंदी कर दी है। मम्मा आप रो मत। बेटा सो जाओ। बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला रही थी।
वहाँ लेटी हुई है, तेरा बाप क्या पैसे कमा के रखे गए है जो तुम माँ बेटी है एसी में सोए हो रात भर? रात भर यहाँ डबल बेड पे एसी चला के सोई है, इसलिए लेकर आए क्या तुम लोगों को यहाँ पे कि आके खून पियो? अपने घर में भी एसी में सोती थी क्या? इतनी औकात तो थी नहीं तुम्हारी। बड़ी मम्मी गर्मी लग रही थी इसलिए चला लिया था। इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? बिजली का बिल कौन देगा? एक जना है मेरे घर में कमाने वाला। दीदी गलती हो गई उससे, आगे से नहीं चलाएगी। आगे से ध्यान रखियो तू, ये सब बार बार नहीं झेलूंगी मैं। इतना फालतू पैसा नहीं है कि तुम्हारे ऐशो आराम पे यहाँ पे लुटाएंगे, रखा है वो ही बहुत है। मम्मी बड़ी मम्मी हमको इतना डांटती है, हम कहीं और जाके क्यों नहीं रहते? बेटा आपको पता है ना आपकी मम्मा के पास जॉब नहीं है और हमारे पास कोई रहने की जगह भी नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारी मजबूरी है यहाँ पर रहना, ठीक है? और बेटा आज के बाद आपको बड़ी मम्मी या कोई कुछ भी बोले तो आप जवाब मत देना, ठीक है? चारू क्या बात है, बड़े दिनों से मिली नहीं। मैं तेरे पास आई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज शॉपिंग करने चलें। शॉपिंग? काय की शॉपिंग? ये फालतू खर्चा तो मेरे ऊपर अभी ने लाद दिया है। ये कौन है वैसे? अरे ये मेरे देवर की लड़की और उसकी पत्नी को अभी यहाँ उठा के ले आए हैं, वो तो गया मर, फांसी लग गई मेरे, यहाँ ले आए हैं। इतना खर्चा कर रहे हैं क्या, जिंदगी खराब हो रखी है हमारी तो। काय की शॉपिंग? मेरा तो जीना दुश्वार हो रखा है ये देख देख के। हाँ अब ये दोनों तेरे साथ यहीं रहेंगी, वैसे इतना खर्चा है इनका, आगे चल के इसकी स्कूल कॉलेज सब कुछ है, तू इसकी माँ को बोलना जाके नौकरी ढूंढे, तू क्यों अपने सर पे बोझ पाल रही है? ठीक कह रही है, बोल दो इसकी माँ को महारानी बन के रहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ गई दोनों माँ बेटी फ्री की रोटियां तोड़ने। कह तो एकदम सही रही है, आज ही बोलती हूँ कि कल से ना नौकरी पे लग जा, वरना हमारे बस की तो है नहीं खिलाना। ओ महारानी ऐसा है, कल से अपनी नौकरी ढूंढने जा, अगर यहाँ रहना है तो अपना और अपनी लड़की का खुद कर, हमारे बस की नहीं है, और ये गर्दन हिलाना तो बंद कर, जाके अपना कर नौकरी ढूंढियो। एक बच्ची की माँ है तू, अपना और अपनी बेटी का खुद सोच, ऐसा नहीं कोई मर जाता है तो दूसरों पे बोझा बन जाते हैं। हाँ चाची बहुत अच्छे मसाज कर रहे हो आप तो। चाची मजा आ रहा है। मेरी बेटी को पूरा वश में करने का हुनर पता है इसको, तभी चिपकी रहती है मेरी बेटी इससे। दीशु बेटा मैं जॉब देखने जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। कहाँ जा रही है सुबह सुबह इतना तैयार होके? भाभी वो जॉब देखने जा रही थी अपने लिए। शुक्र है कुछ तो तेरे दिमाग में आई, काम ढूंढ ले कोई ढंग का, जा। वैसे पति नहीं है और बाल खोल के बिना दुपट्टे के चली मैडम, पर कर जाते हैं। आ गई, मिली कोई नौकरी? तब भी इतना टाइम लग गया, कमाल है। जा किचन में कुछ बना दे, भूख लग रही है, इतनी लेट पहले ही हो गई है। अभी ऑफिस जा रहे हो? हाँ। मैं क्या कह रही थी कि आपने इन लोगों के लिए कोई घर देखा रेंट पे, कुछ मिल जाए इन्हें? चारू कहाँ से रेंट भरेंगे, वो यहीं रहेंगे, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता, कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें। पर वो कब तक रहेंगे यहाँ पे? वो हमेशा यहीं रहेंगे, इस बात पे मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, ठीक है? ये तो कुछ समझाने ही बेकार है, समझने कोई तैयार नहीं है। अरे आगे चाची। मम्मी आप आ गए, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। क्या हुआ चाची, मिली आपको जॉब? नहीं बेटा अभी नहीं मिली। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मिल जाएगी आपको। नहीं मिलेगी से जॉब, ये नौकरी ढूंढने थोड़ी जाती है, ये तो काम से बचने के लिए बाहर से ऐसा पार्टे पे जाती है। ठीक है अब उठ और जाके रोटी बना ले। कोई बात नहीं चाची को मिल जाएगी जॉब।
चाची मेरा बस हो गया, और रोटी चाहिए मुझे। ठीक है बेटा, एक रोटी रह गई है, आटा और लगा देती हूँ। ओ मैडम, ये आटा किसके लिए लगा रही है? वो ना मेरी और दीशु की रोटी बननी है, क्योंकि आटा खत्म हो गया, एक ही रोटी रखी है। तो एक ही खा लो दोनों, और आटा मत लगा, रख दे से। आटा भी लाना भी है, खत्म हो रहा है, वैसे ही रख दे। दीशु को ही दे देती हूँ मैं। नहीं बेटा, खाना खा ले। मम्मा आप अपने लिए नहीं लाए? मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। मम्मा मेरा पेट भर गया, आप खा लो। हेलो गाइस, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट जरूर करके बताना, और साथ ही लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो हमारे चैनल चुलबुल वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस, और साथ ही हमारा न्यू चैनल चुलबुल स्टोरीज जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस प्लीज, वहां पर भी बहुत जल्दी न्यू वीडियो आएगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।